मेरे राम मेरे राम। बोलिए जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। आज से जय सियाराम ही कहिए। स्वागतम शुभ स्वागतम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज मेजोरिटी कम्युनिटी पीपल हु बिलीव इन रामचंद्र जी। His वचन, his रघुकुल रीर सदा चली आई, राम प्राण जाए पर वचन न। विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही, 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है? ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बता। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। हाँ, कश्मीरी, हर कश्मीरी जो है वो कन्वर्ट हुआ है। यहाँ इस्लाम जो है वो बाहर से आई, इस्लाम यहाँ शुरू नहीं हुई। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कैला राशिद का ट्वीट है जो उन्होंने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर शेयर किया है। इस ट्वीट में शहला राशिद पीएम मोदी और उनकी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। शहला पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए लिखती हैं, इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो, लेकिन कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के स्पष्ट रुख ने कुल मिलाकर जीवन बचाने में मदद की है। यही मेरा दृष्टिकोण।